तो टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी में क्या असर होता है? तो रूल नंबर वन, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द एवरेज एनर्जी एक्सचेंज इन अ कोलिजन इंक्रीजेस, तो उतने ही ज्यादा उसमें कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं। मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रॉस द गैप एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीजेस। मतलब जब आप सिंपल लैंग्वेज में, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके, और उससे क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। आगे ये प्रूव किया जा सकता है, वो कहता है हमने करना नहीं है, कि सच पेयर्स, नंबर ऑफ सच पेयर कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्री होते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द फैक्टर ऑफ टेम्परेचर इज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई बाई 2 kT। डेल्टा ई का मतलब है फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ दी जो भी आप सब्सटेंस यूज कर रहे हो, सिलिकॉन जैसे, और टी फॉर टेम्परेचर। तो मतलब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझें कि एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, और ऐसा होने से क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। भाई जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्री हो जाएंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एंड डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। लेकिन साथ ही अगले लाइन में ये भी कहता है, एक और प्रॉब्लम है इसमें, अपोजिंग बिहेवियर, कि जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री कर देते हैं तो उनका चलना भी मुश्किल है, आपस में कोलाइड करते जाते हैं, तो इससे उनकी कंडक्टिविटी में असर पड़ता है और वो कम हो जाती है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि फ्री मिल गए, और एक तरफ उनका चलना मुश्किल है। तो लेकिन इन दोनों में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फ्री हो गए, ये फैक्टर ज़्यादा जो है डोमिनेट करता है, और ठीक है कोलिजन की वजह से कुछ कंडक्टिविटी में डिक्रीज आता है, पर ओवरऑल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज ही होती है। तो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस, याद रखना, तभी तो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और ये फायदे वाली चीज़ है हमारे लिए। आपने इसमें नोट करना है, ये नोट जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज द एवरेज एनर्जी एक्सचेंज इन द कोलिजन इंक्रीजेस एंड मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रॉस द गैप एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीजेस, इतना। तो इसके बाद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिजल्ट इन इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी एंड डिक्रीज इन द रेजिस्टिविटी।